पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह के कार्यकाल में गठित मिलिट्री इंटेलिजेंस के टेक्निकल सर्विस डिवीजन यानी टीएसडी पर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने के लिए सेना की खुफिया सेवाओं के फंड का बेजा इस्तेमाल करने का बेहद संगीन इल्जाम लगाया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सेवाओं के लिए आवंटित पैसों का न सिर्फ उमर सरकार को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया बल्कि इस मद की राशि के जरिए मौजूदा थल सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह को सेना अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए एक एनजीओ को भी पैसे दिए गए और इसके साथ टेक्निकल सर्विस डिवीजन पर गैर कानूनी जासूसी गतिविधियों के लिए उपकरण खरीदने समेत कई अनियमितताओं के भी आरोप लगे हैं और इन तमाम आरोपों की सीबीआई जांच भी होगी इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल टेक्निकल सर्विस डिवीजन के कामकाज की जांच के लिए सेना के सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया की अगुवाई में एक सीक्रेट बोर्ड का गठन किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने जनरल भाटिया की अगुवाई वाले बोर्ड की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा किए जाने का भी निर्देश दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो फिलहाल रक्षा मंत्रालय और पीएमओ में आला स्तर पर इस रिपोर्ट की तहकीकात की जा रही है। दूसरी तरफ इन तमाम आरोपों पर वीके सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि वीके सिंह ने हाल ही में 15 सितंबर को बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की जो रैली हुई थी उसमें शिरकत की थी। संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, ये क्या पूरा विवाद है और ये क्या खुलासा है, इसके बारे में तफसील से बताएं हमारे दर्शकों को। मामला इतना गंभीर है कि सीक्रेट सर्विसेज जो कि आर्मी का एक फंड होता है उसको मिसयूज करने की बात सामने आ रही है और जनरल वीके सिंह पहले भी काफी विवादों में रहे हैं और जनरल वीके सिंह ने जब सेनाध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें घूस की पेशकश की गई थी और उस वक्त काफी बवाल भी मचा था और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ए के एंटनी ने उसकी इंक्वायरी की के आदेश भी दिए थे। लेकिन ये मामला मई 2010 का है जो कि सीबीआई के स्कैनर में आया है। सीबीआई इस बात की जांच कर सकती है कि किस तरीके से सीक्रेट फंड का मिसयूज जनरल वीके सिंह के द्वारा किया गया है और आर्मी की तरफ से जो सेटअप की गई थी इंक्वायरी, उस इंक्वायरी में इस बात की तस्दीक की गई है कि जनरल वीके सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ एक सीक्रेट एजेंसी का इस्तेमाल किया था कि कहीं ना कहीं अब किस बिना पे उन्होंने इस सीक्रेट एजेंसी का इस्तेमाल किया था कि क्या जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जनरल वीके सिंह के पास कोई रिपोर्ट थी और उस बात को तस्दीक करने के लिए उन्होंने सीक्रेट एजेंसी फंड का इस्तेमाल किया था, इस बात पर अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो दावा किया गया है उस दावे के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस बात की जानकारी है कि कहीं ना कहीं जो एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई थी उस इंक्वायरी कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है और इंक्वायरी कमेटी गठित करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट पर अब हो सकता है सीबीआई इस बात की इंक्वायरी करे। लेकिन वीके सिंह का बयान इसमें काफी अहम होगा इसलिए कि जो भी एजेंसी है, जो भी जनरल वीके सिंह अभी हाल में रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मन शेयर किया था और कहीं ना कहीं निशाने पर, सरकार के निशाने पर या कांग्रेस पार्टी के निशाने पर वीके सिंह रहे हैं और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं वीके सिंह पर अब आरोप लग सकते हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकार आ चुकी कैबिनेट की बैठक भी है, कैबिनेट की बैठक में भी इस मामले पे चर्चा हो सकती है और कैबिनेट की बैठक के बाद जो ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी सरकार की तरफ से हो सकता है सरकार इस पर ऑफिशियल कोई बयान भी दे। रमन, इसके अलावा ये भी हमें जरा समझाइए कि टेक्निकल डिवीजन जो ये है पूरा डिपार्टमेंट जिसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया है, ये क्या काम करता है, सेना में किस तरह इसकी भूमिका रहती है? देखिए, टेक्निकल डिवीजन के पास ये अधिकार होता है कि अगर सेना के पास इस बात की कोई जानकारी है कि कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या कोई फोन कॉल्स उसके पास आ रहे हैं या कोई फोन कॉल्स वो देश की सीमा के बाहर से भी बात हो रही है, इस बात की तस्दीक करने के लिए टेक्निकल सर्विस डिवीजन को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस बात की जांच करे और देश विरोधी कोई काम तो नहीं हो रहा है इस बात पर वो अपनी रिपोर्ट दे। जो सीक्रेट फंड होता है उस सीक्रेट फंड सेना को इसलिए दिया जाता है कि इस बात को वो तस्दीक करे कि कहीं ना कहीं अगर सेना को ये ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई जानकारी सेना के पास है कि वो अपनी जांच
के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहती है, इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि देश विरोधी कार्रवाई कोई तो नहीं हो रही है और इसका इस्तेमाल जनरल वीके सिंह के द्वारा हुआ है और सीक्रेट फंड का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ या उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ डिस्टेबलाइज करने के लिए हुआ है। ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है और इस बात का खुलासा होने के बाद अब निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बयान आना शुरू होगा और आज कैबिनेट की बैठक में भी इस मामले के उठने की संभावना जताई जा रही है। रमन, जैसे जानकारी मिल रही है कि उन्होंने विक्रम सिंह के खिलाफ भी लॉबिंग करने की कोशिश की थी कि उन्हें ये पद ना मिले, ये किस हद तक पैसे दिए गए, लेन देन कहाँ तक हुआ, इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए, अभी तक तो इनिशियल जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक जनरल वीके सिंह ने सीक्रेट फंड का गलत इस्तेमाल किया और उसके बाद अभी जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनको ये पद ना मिले, इस बात को लेकर भी लॉबिंग की गई है, इस बात को लेकर भी कुछ ऐसे आधार बनाने की कोशिश की गई है ताकि सरकार जनरल विक्रम सिंह को थल सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त ना करे। लेकिन सारी बात अभी तक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई बयान आया नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब आधिकारिक तौर पर इस मामले पर पूरा बयान आएगा, सरकार की तरफ से बयान आएगा, तभी इस मामले में कुछ पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। अभी जो जानकारी आई है वो सनसनीखेज जानकारी है और सनसनीखेज जानकारी में जनरल वीके सिंह को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा, सरकार को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आखिरकार जो इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय और डिफेंस मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है, ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है। जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है उस पर सबकी निगाहें होंगी और ये मसला कैसे उसमें उठाया जाता है और कहां तक अंजाम तक पहुंचता है ये देखना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।